सो हाय फेलोज, चेंगुल। सो गाइस, गेम के अंदर फाइनली आ चुका है काफी कमाल का इवेंट जिसका नाम है सर्वर मिशन। एंड इस इवेंट पे हमें काफी अच्छे अच्छे प्राइजेस तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ जो सबसे कमाल की चीज है इसके अंदर वो है इसका बाउंटी मिशन। एक्चुअली इन मिशन के अंदर हम लोगों को मिलने वाले हैं दो मिस्ट्री प्राइजेस। एंड ये एक्चुअल में कोई भी प्राइज हो सकता है, पबजी वर्ल्ड ने लिखा है कि कोई भी प्राइज हो सकता है, ये मिस्ट्री प्राइज है। तो हम लोग इस इवेंट को देखेंगे कि हम लोग कैसे कर सकते हैं काफी इजिली कम्प्लीट। एंड इस इवेंट को कम्प्लीट करना एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा ईजी है, तो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे। एंड साथ ही साथ गाइस, फाइनली आके गेम के अंदर आ चुका है हमारा रैंक अरीना मोड। एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस वाले मोड को हम लोग काफी इजीली कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। आई मीन इसका गोल्ड एंड डायमंड टियर का जो प्राइस है, उन प्राइजेस को हम लोग काफी इजीली कैसे ले सकते हैं। एंड मैं आपको एक मैच भी खेल के दिखाऊंगा। एंड मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग हाईएस्ट प्लस करा सकते हो ट्रॉफीज एंड काफी इजीली कंप्लीट कर सकते हो अपना गोल्ड एंड डायमंड टियर का रिवॉर्ड। सो गाइस, ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो टू अप्रिशिएट दैट एंड कर लो चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कमाल के लीक ट्रिक्स ग्लिच न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों के लिए खुशखबरी है। जैसे हम लोग पुराने वीडियोस में करते नहीं थे गिव अवेज के, जिसके अंदर हर वीडियो के अंदर गिव अवे होता था एंड विनर्स को मिलते थे, दो विनर्स होते थे जिनको मिलते थे 35 यूसी। तो आज की वीडियो से हम लोग वो चीज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हर बंदे को मिलेगा 35 यूसी अगर आप लोग लकी विनर हो गए। एंड हम लोग रैंडमली विनर्स निकालेंगे, उसके लिए आप लोगों को जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है। अपना एक कमेंट करना है जिसके अंदर आप लोगों का आईडी टैग हो एंड उन आईडी टैग को मैं अगली वीडियो जो भी होगी उनमें रैंडमली निकालूंगा। एंड जिन लोगों को भी आएगा उनको 35 यूसी ऐसा प्राइस मिलेगा। पर इसके लिए एक चीज जरूर है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वही रैंडमली विनर्स में आएंगे, जैसे हम लोग पहले करते थे उसी टाइप का सारा कुछ होगा। तो मेक श्योर गाइस, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हो अगर आप लोग पार्ट लेना चाहते हो गिव अवे के अंदर, एंड अपना आईडी टैग एंड नीचे कमेंट जरूर से कर देना अगली वीडियो के लिए। सो गाइस, बहुत टाइम हो चुका था पबजी वर्ल्ड ने कोई भी इवेंट नहीं दिया था गेम के अंदर, एंड फाइनली एक न्यू इवेंट पबजी वर्ल्ड ने दे दिया जिसका नाम है सर्वर मिशन। एंड एक्चुअल में आप लोग देख रहे होंगे कि इस इवेंट के अंदर जो प्राइजेस है यार वो तो काफी अच्छे नहीं है, एक सिंपल से प्राइजेस है। हाँ, प्राइजेस ठीक ठाक से हैं, बट इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप लोगों को इसके अंदर कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। आई मीन ये ऐसा इवेंट नहीं है कि आप लोगों ने इंडिविजुअली करना है, ये ऐसा इवेंट है जो पूरी दुनिया मिलकर एक साथ कर रही है। जैसे कि हम लोगों के रॉयल पास के इवेंट्स नहीं होते हैं कि जिसके अंदर रॉयल पास जितने लोग बाय करते जाएंगे हम लोगों को रॉयल पास इवेंट मिलता जाएगा, बिल्कुल वैसे सिमिलर ये वाला इवेंट रहने वाला है। एंड इन लोगों ने इस इवेंट के लिए पूरी रामकथा लिख दिया है। एक्चुअल में आप लोग इसको खुद भी रीड कर सकते हो, मैं यहाँ वीडियो में नहीं रीड करूंगा बिकॉज ये मैंने पूरी पढ़ ली एंड पूरी यूजलेस है, मैं कुछ है ही नहीं इसके अंदर। सो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली इस इवेंट में होने क्या वाला है। जैसे आप लोग इवेंट को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो इवेंट को ओपन करते ही आप लोगों की स्क्रीन पे एक पॉपअप होगा मैसेज, जिसके अंदर लिखा होगा कि आप लोगों ने किस सर्वर में खेलना है। सर्वर मिशन नाम है तो सर्वर आएगा आपके सामने, जितने भी सर्वर होते हैं लाइक यूरोप का सर्वर हो गया, एशिया का सर्वर हो गया वगैरह वगैरह, तो उन चीज में से भी आप लोग खेलते हो सबसे ज्यादा। बेसिकली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि अगर आप लोगों ने गलत सर्वर चूज कर लिया तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी एंड आप लोग इवेंट नहीं कंप्लीट कर पाओगे। तो जिस सर्वर में भी आप लोग मैक्सिमम खेलते हो उसी सर्वर को चूज कर लेना। मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग एशियन ही होंगे, सो एशिया सर्वर चूज करना, सर्वर बहुत ध्यान से चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे ये लोग ये बोलते हैं कि हम लोगों को हाउ टू ऑब्टेन में आप लोग देख सकते हो जो फायर है, ये फायर है यहाँ पे मिलती। एंड यहाँ पे इन लोगों ने जो रिवॉर्ड्स लिखे हुए हैं वो रिवॉर्ड्स भी इसी टाइप से हैं कि जैसे कि देखो 10 लाख, फिर 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख एंड 50 लाख, इस तरीके से फायर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे एंड आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हो। बट यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने आप लोगों से बोल दिया आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग ये गलती मत कर देना। इन्होंने खास करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जितने जो थर्ड पॉइंट आप लोग एक बार रीड कर लो, जिन लोगों के पास 0 से ज्यादा हो गई मतलब कम से कम आप लोगों के पास एक फायर होनी बहुत जरूरत है, आपको एक मिशन कंप्लीट करना है एंड वो आप लोग वैसे भी काफी इजीली कर सकते हो। अपने टीममेट को रिवाइव कर लो, कोई मैच विन कर लो या एनिमी किल कर लो वगैरह वगैरह, सारे क्लासिक मोड के मिशन है एंड आप लोग कभी ना कभी क्लासिक तो खोलोगे ही। एंड इसमें सबसे अच्छा ये है कि डेली लॉग इन रिवॉर्ड में ही आपको 80 मिल जाता है, तो यहाँ पे आके बस कलेक्ट कर लेना, कलेक्ट करना मत भूलना एंड उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगी फायर काफी इजीली। एंड अब आप लोग सोच रहे हो इवेंट होगा कैसे, तो देखो यार यहाँ पे जो फायर है ना आप लोग देख सकते हो, ये जो फायर है 100, 60, 90, 80, ये जितनी भी पूरी दुनिया कलेक्ट करेगी ना मिशन कंप्लीट कर करके उस पूरी दुनिया की जो फायर को कंबाइन किया जाएगा एंड उस पूरे के जो टोटल आएगा उस टोटल के हिसाब से ऊपर जाने वाला है। जैसे 10 लाख हो जाएगी पूरी दुनिया की फायर तो सबको ये वाले स्क्रैप कूपन्स मिल जाएंगे, अगर उससे ज्यादा हो जाएगी देन ये बीपी कॉइंस मिल जाएंगे, 30 लाख पे ये मिल जाएगा, देन 40 पे ये, 50 पे ये, तो इस तरीके से ये रहेगा एंड पूरी दुनिया की जो फायर होगी उसको कंबाइन करने के बाद आपको मिलेगा। आपने क्या करना है अगर आप लोग इस मिशन को नहीं
करना चाहते हो एंड सिर्फ रिवॉर्ड लेना चाहते हो मजे में बैठ के, तो आपने सिर्फ एक ही चीज करनी है, बस आप लोगों को एक ऐसा मिशन कर लेना है एंड कलेक्ट कर लेना है। मिशन तो आप कर ही लोगे जब क्लासिक खोलोगे, कलेक्ट कर लेना है। अगर आपका जीरो फायर होगा तो आप लोगों को नहीं मिलेगा एक भी रिवॉर्ड, सिर्फ आपका एक फायर मिनिमम होना जरूरी है। एंड मैं तो आप लोगों से यही बोलूंगा कि इसके अंदर मिशन इतने ईजी है कि आप लोगों ने सारे मिशन अपने आप ही कंप्लीट हो जाएंगे बिना कुछ किए। आप लोगों से क्लासिक खेला एंड मिशन कंप्लीट, तो आके जरूर से कंप्लीट कर लेना एंड दुनिया की हेल्प करो इस मिशन को करने में। उसके बाद आप लोगों के लिए यहाँ पे एक तीसरी चीज आती है जो थर्ड पॉइंट दिखा रहा हूँ। सेकंड पॉइंट काफी मजेदार है, काफी ज्यादा, इसे थर्ड पहले कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को देख जाते हैं लीडर बोर्ड, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है इस मिशन को कंप्लीट कराने में, आप लोग देख सकते हो नाम उन सबके। तो लीडर बोर्ड है, कोई खास चीज नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है, बस लीडर बोर्ड है, देखना हो देख लेना। उसके बाद आती है हमारी सबसे कमाल की चीज जो है सेकंड नंबर की, जिसका नाम है बाउंटी रिवॉर्ड्स। ये एक्चुअल में बीस्ट थिंग है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों को छोटे छोटे मिशन देख रहे हैं, जैसे हम लोग सेंड करने हैं, स्पेंड करने हैं 5000 बीपी। तो गाइस मुझे यहाँ पे मैक्सिमम कोई चीज ऐसी नहीं मिल रही थी कि मैं जिसमें बीपी स्पेंड कर सकूं 5000, क्योंकि सब प्राइम के है। तो मुझे ये चीज मिली है तो मैं इसी में बीपी वेस्ट कर देता हूँ सिल्वर सेगमेंट्स के लिए। एंड यहाँ मेरे 5000 मिल जाएंगे, बीपी खत्म हो चुके हैं। तो चलो इस मिशन के अंदर चलते हैं बाउंटी रिवॉर्ड्स में, एंड ये जो चीज है मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे 10 स्क्रैप के कूपन्स मिल गए सिर्फ ये वाला इवेंट करके, काफी अच्छी चीज है ना। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ये वाली मिशन, इसके बाद जो सेकंड एंड थर्ड मिशन है भाई, 20 है पूरे के पूरे। इन मिशन के अंदर हमें क्या चीज मिलने वाली है कुछ भी नहीं पता, कोई भी चीज हो सकती है। मैन मीन्स पबजी मेल का अगर आप लोग यहाँ पे जाके पढ़ते हो पीछे की तरफ करके, तो आप लोगों को पता लगेगा इन लोगों ने खुद यहाँ पे बोला है ये जो होंगी हमारी जो दो चीजें ये मिस्ट्री रिवॉर्ड है, यहाँ पे कोई भी चीज हो सकती है मिस्ट्री रिवॉर्ड के अंदर। तो यार इन वाले मिशन को जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग सब मिलकर, एंड हम लोग एक दूसरे को बताएंगे। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से बताना आके कि आप लोगों का क्या रिवॉर्ड था। सो इसमें आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट मिशन दिखा देता हूँ, जो कि आप लोगों को टॉप 10 में फिनिश करना है आर्केड या क्लासिक मोड में 15 times। एंड ये जो मिशन है थोड़ा सा मुश्किल टाइप का मिशन है, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि कमाल की चीजें मिलने के काफी चांसेस हैं। मैं जो एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ वो यहाँ पे क्लासिक क्रेड्स दो एंड जो अपने प्रीमियम क्रेड्स हैं वो दो। उसके बाद जो सेकंड मिशन आता है यहाँ पे वो है रिवाइव करना अपने टीममेट को 20 times। ये भी एक लंबा मिशन है एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे अच्छे प्राइजेस मिलेंगे हम लोगों को मिस्ट्री रिवॉर्ड के अंदर। एंड आप लोग भी जरूर से बताना अपनी एक्सपेक्टेशन, आप लोगों को क्या लगता है कि इन रिवॉर्ड्स के अंदर हमें क्या चीज मिलेगी। मेरे हिसाब से तो जो मैंने आप लोगों को बताया वही दो चीज मिलेगी, जो कि है क्लासिक एंड प्रीमियम क्रेड्स, वो भी दो दो, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दो रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो काफी मजा आएगा उस चीज के अंदर एंड देखते हैं हमें क्या मिलेगा। सो गाइस फाइनली हम लोगों का आ चुका है रैंक अरीना मोड, एंड ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल से आया। तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ इस मोड के अंदर सीन क्या रहने वाला है। देखो इस मोड के अंदर हम लोगों को 3 मैप्स बेसिकली इन्होंने दिए हैं, जो कि टीम डेथ मैच दिया हुआ है लोगों ने, उसके बाद ये असॉल्ट दिया हुआ है, डोमिनेशन दिया हुआ है। तो इन तीनों मैप में से आप लोग ऐसा नहीं है कि कोई एक ही खेलोगे, तीनों में से गेम आपको कोई भी लगा के दे देगा, आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते मैप। देखो एक भी मैप ऐसा नहीं है जो आप चूज कर सको इंडिविजुअली। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लगा देना है मैच। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, मैंने ये वाला मैच खेला था, आप लोग देख सकते हो इस वाले मैच के अंदर। मैं आपको क्विक क्विक करके दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने बंदी मेनली मारे हैं, एंड इस वाले मैच के खत्म होने के बाद आप लोग देखो मेरे साथ क्या हुआ। टारगेट डाउन एक्सपायर्ड, नो मर्सी एक्सपायर्ड, नाइस शॉट, डेड किल, डेड target down, nice shot, target down, blue team victory. अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जो मेरी ब्रॉन्ज लीग है वो मेरी सिर्फ एक ही बार में, मतलब ये वाली जो ब्रॉन्ज 5 है पूरी खत्म होने को आ गई सिर्फ एक मैच के अंदर ही। तो आप लोग देख सकते हो अगर आप लोग अच्छी परफॉर्मेंस दोगे तो काफी इजीली जो आपकी ये जो लीग्स हैं ऊपर जाएंगे, एंड आप लोग काफी इजीली इन जो मिशंस को है काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। उसके बाद हम लोग रिवॉर्ड्स को अगर देख ले तो गोल्ड एंड डायमंड पे हमें 2 रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा इनके ऊपर वीडियो लेके आऊं एंड हम लोग इनको कंप्लीट करें। एंड अगर आप लोगों में से कोई इसको कंप्लीट कर लेता है तो जरूर से यार मेरी जो इंस्टाग्राम पे है मुझे DM कर देना, मैं आप लोगों को शाउट आउट दूंगा एंड ये वीडियो भी दिखाऊंगा आप लोगों की जो भी कंप्लीट करेगा इनको सबसे पहले, एंड मैं खुद भी ट्राई करूंगा इनको कंप्लीट करने की सबसे पहले एंड आप लोगों को बताने की। उसके बाद जो हम लोगों का ये थर्ड रिवॉर्ड जो आ जाता है, पहले तो ये 2 एंटायर रिवॉर्ड्स, तो इन वाले रिवॉर्ड्स का ऐसे रहने वाला है कि आप लोगों को इनको कंप्लीट कर लेना है नॉर्मली, एंड जैसे आप लोग कंप्लीट करोगे इनको आप लोग रिसीव कर सकते हो। उसके बाद जो थर्ड रिवॉर्ड आएगा वो हमारा सीजन रिवॉर्ड, जहां पे हम लोगों को ये टैग मिलने वाला है आप लोग कह सकते हो, जो कि मिलने वाला है टॉप के 1000 प्लेयर को जो भी आएंगे लिस्ट के अंदर। आप लोग देख कैसे सकते हो, आप लोग यहां पे जाओगे उसके बाद नीचे जाओगे रैंक करीना
पे आओ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टॉप के प्लेयर्स जो कि काफी अच्छा खेल रहे हैं पूरी दुनिया में। तो उनमें जितने भी हाईएस्ट प्लेयर्स होंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया 1000 प्लेयर, उन सबको ये वाला टैग मिलेगा। एंड वो टैग मिलेगा जब गेम का ये जो सीजन है खत्म हो जाएगा, मतलब इसका जो इससे कि ये वाला जो इवेंट है हम लोगों का खत्म होने वाला है ना अगले महीने की 5 तारीख को, तो उसी दिन आप लोगों को मिलेगा, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा। एंड उस दिन भी जब ये इवेंट खत्म हो जाएगा उसके 5 घंटे बाद मिलेगा। तो ये चीज कोई बहुत मुश्किल नहीं है, 5 से 3 घंटे वेट कर लेना एंड उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोग टॉप के 1000 प्लेयर्स में हो गए। मैं भी ट्राई करने वाला हूँ इसके लिए, आप लोग भी ट्राई करो एंड जरूर से बताना आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था, आप लोग जरूर से बताना इन दोनों इवेंट्स के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आपका बेस्ट कौन सा लगा। एंड मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ, मेक श्योर कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, गिव अवे में पार्ट जरूर से लो, जाओ नीचे कमेंट करो अपना टैग एंड अपना नंबर एंड अच्छे से कमेंट कर लो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रॉम स्टैंगो, बाय बाय।